मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 6 महीने पहले लगभग 108 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसमें कई लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल यह बैंक किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने का मुख्य कार्य करती है, जिसके करेरा शाखा में 3,82,00,000 का घोटाला उजागर हुआ था। वहीं सहकारी संस्था टोडा पिछोर के प्रबंधक और भृत्य सहित 2 सेवानिवृत्त समेत 1 निलंबित शाखा प्रबंधक पर धारा 420 सहित आधा दर्जन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है। समस्या के संबंध में शिकायतें आई हैं, इसकी लगातार जांच चल रही है, आपको पता ही होगा। और इसी अनुक्रम में जो राशि के दुरुपयोग दुरुपयोजन का मामला है, उसकी जांच के बाद ये इसमें हमको शाखा प्रबंधक का जो सहकारी बैंक है उनकी तरफ से एक आवेदन मिला था और उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि जो उनके ऑडिटर ने जांच की है उसमें ये पाया है कि नवंबर 2017 से लेकर अप्रैल 2019 के बीच में कुछ कुल मिला के 3,82,00,000 से ज़्यादा का अमाउंट निकाला गया है, और जिसमें उनके बताए अनुसार ये 5 लोग हैं इसमें सहकारी समिति प्रबंधक हैं का शिव कुमार शर्मा, रविंद्र भार्गव, अरुण भार्गव, गुरुदेव कुशवाहा और सीताराम ठाकुर।